हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ ही DIY वीडियो स्टिचिंग के चैनल पर डालती हूँ, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके के बूट्स घर पर बनाना सीखेंगे, तो बिगनर भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक पेपर ले लीजिएगा और अपने पैर का नाप इस तरीके से उस पेपर पर कर लीजिएगा। अब ये ध्यान रखना है कि नीचे से आपको करीबन 1 इंच ऊपर का माप लेना है। अब देखिए, आपके पैर के पंजे का सबसे चौड़ी जो जगह है, वहाँ से आप करीबन हाफ हाफ इंच चौड़ाई मार्क लगा लीजिए, और इस तरीके से एक सीधी लाइन नीचे तक लगा लीजिए। इधर भी एक सीधी लाइन नीचे तक लगा लीजिए, और ऊपर का हिस्सा भी इस तरीके से पूरा यूं कर्व कर लीजिए। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये हमारे पास फैब्रिक है, तो इसकी हमें लेयर जो है कटिंग कर लेनी है। देखिए, ऊपरी वाला हिस्सा जो है वो हम थोड़ा सा पेपर हल्का सा मोड़ के तब कटिंग करेंगे। इसी तरीके से दो फैब्रिक के पीस हम यहाँ से भी काट लेंगे। तो देखिए, दो पीस ये हैं, दो पीस ये हैं। अब ये जो हमने पेपर लिया था, इसको हम हाफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ तक मार्क लगाकर यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो आप कम या ज़्यादा जो है स्टिच लगा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये हमने स्टिच लगा ली यहाँ पर। इसी तरीके से इस पीस पर भी हमने स्टिच तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका जो बैक साइड वाला हिस्सा है उसे यूँ रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर भी यूँ रखेंगे और स्टिच कर लेंगे दोनों हिस्सों पे। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों हिस्सों पर स्टिच लगा लिया है। अब हम बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये हमने फिर से ये कागज़ ले लिया है, और इस कागज़ पर जो हमने पैर का निशान लगाया था, उस निशान से हमें करीबन पौना पौना इंच इस तरीके से मार्क एक्स्ट्रा लगा लेना है नीचे की तरफ, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे पेपर की। इधर भी हम पेपर की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने फिर से उसी पेपर को कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर ये क्विल्टिंग पीस दो ले लिए हैं, जो कि हमने बीच में जो कपड़ों से निकलने वाली फॉर्म है उसका यूज़ किया है, और ऊपर नीचे हमने फैब्रिक का यूज़ किया और क्विल्टिंग कर लिया है। और इसकी लेंथ और वेथ जो है हमें लेनी है इस पेपर के अकॉर्डिंग। तो देखिए, पेपर के नाप के अकॉर्डिंग हम इस क्विल्टिंग पीस की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने कर लिया कटिंग। अब ये ध्यान रखना है कि ये पेपर जो है दूसरी तरफ जब रखेंगे तो पलट के रखेंगे, ताकि एक ही तरफ के पैरों के पंजे ना बने। अब देखिए, इसको हम रॉन्ग साइड की तरफ यूँ पलट लेंगे और इस तरीके से इसे स्टिच लगा लेंगे। ठीक इसी तरीके से दूसरे वाले को भी स्टिच लगा लेंगे हम क्विल्टिंग पीस के साथ। तो स्टिच लगाने के बाद देखिए, ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे राइट साइड को टर्न कर लेंगे। राइट साइड को टर्न करने के बाद हमारे ये बूट्स तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको पहन के आपको दिखाती हूँ। तो बनाने के बाद मुझे थोड़ा ये लगा कि इनकी फिटिंग हल्की सी टाइट है, तो आप जो मार्जिन रखिएगा वो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा रखिएगा। तो देखिए, वैसे तो मेरे पैरों पे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, तो लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसे ढीला रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इसी तरीके के DIY वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और ये बिल्कुल ही फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।